जी हाँ, काफ़ी सारे नए चेहरे आए हैं। अभी मुझे पता नहीं चला नॉमिनेशन में कौन कौन है, बिकॉज ये नॉमिनेशन पार्टी है, यहीं पे पता चलेगा कि कौन कौन नॉमिनेटेड है किस कैटेगरी में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है। और आपको कितना चांसेस लगते हैं अपने कॉलेज जीतने के चांसेस? यार मैं तो आई थिंक नॉमिनेशन इटसेल्फ मेरे लिए विक्ट्री है, बिकॉज जहाँ से मैं आता हूँ, दिल्ली से आया हूँ अकेले, यहाँ पे किसी को जानता नहीं था, नो गॉडफादर, और आई थिंक यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक जीत है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर ट्रॉफी से नवाजा जाएगा तो आई थिंक वो मेरी जिंदगी का आई थिंक मोस्ट हैप्पी डे होगा। सर, एक एक्टर के लिए अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं? अगर आप जो आप एक एक्टर हैं तो आप क्या समझते हैं कि एक अवार्ड जब मिलता है किसी एक्टर को किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको कितना उत्साह मिलता है या कितना प्रोत्साहन मिलता है उसको काम? यार आई थिंक देखिए, ऑब्वियसली ट्रॉफी मिलती है तो सबको खुशी होती है, बट आई थिंक थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा, बट सबसे बड़ा अवार्ड वो ऑडियंस है जो इतना प्यार करती है, बिकॉज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अच्छे से मिलते हैं, काम पसंद करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बोलते हैं, सो आई थिंक वो जितना बड़ा रिवॉर्ड है तो अपने आप में बहुत बड़ा है। नहीं यार ऐसा नहीं है, देखो मेरी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो गलत ना समझें, जस्ट दैट मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती अवार्ड नाइट्स, वो थोड़ा थोड़ा सा शाय है कैमरा से, लेकिन धीरे धीरे वो भी इन्जॉय करना शुरू कर रही है। कल ही एक अवार्ड नाइट में वो मेरे साथ थे, और ये मैं आपको वादा करता हूँ आप सबको कि जो मेन अवार्ड है फिल्म फेयर का, उसमें मैं अपनी वाइफ के साथ ही आऊँगा, आई प्रॉमिस। यार सबको कहना चाहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे, देश का ध्यान रखें, देश का बहुत बहुत ख्याल रखें।